एक्सप्रेस स्टेशन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों के आगे। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के ट्रीटमेंट के तौर पर सामने आई है। जो मरीज कोरोना वायरस से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो जाती है, जिसे प्लाज्मा के रूप में बाहर निकालकर मरीज के शरीर में इंजेक्ट करते हैं। इस थेरेपी में मरीज के ठीक होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कई जगह रिसर्च हो रही है, वहीं कुछ देशों में इसका सफल उपयोग भी हुआ है। जो मरीज कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं और पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं कोविड-19 से, उनके शरीर में इस बीमारी के विरोध में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं, और उन एंटीबॉडीज को हम प्लाज्मा के रूप में शरीर से बाहर निकालकर वो मरीज जो कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं उनके शरीर में इंजेक्ट करते हैं, और ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो कोविड-19 को अटैक करते हैं, और इससे मरीज के ठीक होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, रायपुर में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है, कि यही कारण है कि जो छत्तीसगढ़ में हालात है वो बाकी राज्यों से काफी अच्छे हैं? अच्छा, बिल्कुल। देखिए कि ये भी एक नवीन उपाय जरूर है प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 से लड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की सूझबूझ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो दूरदर्शी निर्देश थे, जो उस सावधानी को देखते हुए उन्होंने जो ये कदम उठाए थे, जो एहतियातन बरते थे छत्तीसगढ़ के लिए, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी सफलता है कोविड-19 पर काबू पाने के लिए। इस पर छत्तीसगढ़ प्रदेश काफी नियंत्रण की स्थिति में दूसरे राज्यों के मुकाबले, उसके चलते भी कहीं ना कहीं इसे हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जो कदम उठाए हैं, जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों की वजह से आज यहाँ पर प्रदेश में हमारे कोविड-19 के मरीजों की संख्या काफी कम है। और कहीं ना कहीं सरकार के पास एक बैकअप है कि आने वाले समय पर अगर इस तरीके की स्थिति बनती है कि आने वाले समय पर और पॉजिटिव मरीज पाए जाएंगे प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर ये जो ब्लड प्लाज्मा है। हमारे साथ में शिवम डॉक्टर विकास गोयल भी जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद जी। जो प्लाज्मा थेरेपी का आप उपयोग कर रहे हैं मरीजों को ठीक करने के लिए, मैं चाहूंगी कि उस बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी, ये प्लाज्मा थेरेपी एक प्रकार की ब्लड थेरेपी है जी। इसमें जो कोरोना मरीज पहले से ठीक हो चुके हैं जी, उनकी बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाते हैं जी। तो इन मरीजों से जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं जी, उनके शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है प्लाज्मा थेरेसिस के मैथड। उन मरीजों को दिया जाता है जी। तो इस प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी रहते हैं वो मरीज के शरीर में कोरोना वायरस को किल करते हैं जी, और इससे मरीज कोरोना से रिकवरी करता है जी। विकास जी, एक व्यक्ति के शरीर से जो प्लाज्मा निकाला जाता है उससे कितने पेशेंट को ठीक किया जा सकता है? दो पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, और एक सप्ताह में दो बार प्लाज्मा थेरेसिस के द्वारा प्लाज्मा निकाला जा सकता है। तो अभी रायपुर में और छत्तीसगढ़ में और भी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इलाज किया जा रहा है, क्या वहां पर सभी जगह छत्तीसगढ़ में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है, या अभी तक कितने लोगों को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए आप लोग ठीक कर चुके हैं? देखिए, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये केवल मॉडरेट या सीवियर केसेस को ही दिया जाता है, और फॉर्चुनेटली रायपुर छत्तीसगढ़ में जितने भी पेशेंट कोरोना के पॉजिटिव आए हैं वो सिंपल दवाइयों से ही रिकवरी कर गए हैं। ये प्लाज्मा थेरेपी उनको दिया जाता है जो रिकवरी नहीं कर रहे हैं, या ट्रीटमेंट देने के बावजूद बिल्कुल सीरियस हो जा रहे हैं, वेंटिलेटर पर चले जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी एक भी ऐसा केस नहीं आया है जिसमें हमको प्लाज्मा थेरेपी देने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको जरूरत है तो यहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। विकास जी, कई सारे कोरोना के ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको पहले से ही कई सारी बीमारियां हैं, तो जिनको पहले से बीमारी है क्या उनका भी प्लाज्मा लिया जा सकता है इस केस में? जी हाँ, उनका प्लाज्मा लिया जा सकता है। इसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि जैसे जो प्लाज्मा जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और रिकवरी कर चुका है उनके दो रिपोर्ट नेगेटिव आने चाहिए, और दो सप्ताह के अंतराल में। अगर कोई भी पेशेंट है कोरोना से रिकवरी कर चुका है
उसके दो रिपोर्ट नेगेटिव हैं 15 दिन के अंतर में, तो उनका प्लाज्मा लिया जा सकता है। उनको कोई बीमारी पहले से है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में संवाददाता शिवम भी जुड़े हुए थे। शिवम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।